चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, अभी ये स्पोर्ट्स का मैं दूसरा सेशन आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, हु हैज़ बीन चूजन एज द विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर द ईयर 2020। तो देखिए, इस बार जो मोस्टली अवार्ड्स मिले हैं ना क्रिकेट वाले, मोस्टली मोस्ट प्लेयर जो है कि अगर सीएट पूछा जाएगा, आईसीसी पूछा जाएगा, विजडन पूछा जाएगा, तो वो बेन स्टोक्स को ही मिले। बेन स्टोक्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इंग्लैंड की टीम के प्लेयर हैं। इनकी मैंने जो है आपको ऑटोबायोग्राफी भी बताई थी, ऑन फायर, वो भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, बेन स्टोक्स। और ये जो विजडन पत्रिका है, इसको क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। तो अगर आपको पूछे कि क्रिकेट का बाइबल हम किस किताब को कहते हैं, तो ये विजडन ही हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हु वॉन द रणजी ट्रॉफी टाइटल फॉर 2019-20। 2019-20 के लिए रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, यहाँ पे 2020 मेंशन किया है, 2019 अगर पूछा जाता तो विदर्भ हो जाता, लेकिन 2020 मेंशन किया तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सौराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, 2020 में रणजी ट्रॉफी किसने जीत लिया, तो वो सौराष्ट्र ने जीत लिया है। अगर आपको पूछा जाएगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीत ली है, तो वो कर्नाटका ने जीत ली। वीनू मांगर ट्रॉफी पूछा जाएगा, तो उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है। विदर्भ पूछा, सॉरी, अगर आपको ईरानी ट्रॉफी पूछा जाएगा, तो वो विदर्भ ने जीत लिया। ये क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा द्वारा किसे 2020 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम का खिताब दिया गया? तो फीफा द्वारा, ध्यान रखिएगा, फीफा की अगर रैंकिंग में पूछा जाएगा, तो बेल्जियम लगातार पहले नंबर पे आता है। इस बार भी बेल्जियम को ही चुना गया। पहले नंबर पे कौन सी टीम हो जाएगी, बेल्जियम। फीफा का फुल फॉर्म, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फीफा का क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। फीफा की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, 1904 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। हेड पूछा जाएगा ज्ञानी इन्फेंटिनो, हु वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो इस बार पूछा गया कि ग्रैंड प्रिक्स का जो है, टस्कन ग्रैंड प्रिक्स का जो है पहला संस्करण किसने जीता, तो वो किसने जीता है, तो वो हो जाएंगे लुईस हैमिल्टन। ध्यान रखिएगा, लुईस हैमिल्टन। इस बार सारे लगभग जो है, एक छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जो है F1 जो है कि जो कॉम्पिटिशन में, वो लुईस हैमिल्टन ने ही जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन वॉन अ वर्ल्ड वुमेन्स रैपिड चेस चैंपियनशिप टाइटल इन दिसंबर 2019। दिसंबर 2019 में किस भारतीय ने वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है? कोनेरू हम्पी, श्रीमान व्यास, पीवी सिंधु या सिर्फ रेखा आर्या? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए पूछा क्या गया है, चेस चैंपियनशिप, तो वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी आपकी कोनेरू हम्पी। ध्यान रखिएगा, चेस से संबंधित है, कौन हो जाएंगी, कोनेरू हम्पी, जो इस बार का रैपिड चेस चैंपियनशिप इन्होंने ही जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी द्वारा 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी का जो अवार्ड किसे दिया गया, तो देखिए मैं सारे आईसीसी अवार्ड्स बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। देखिए, बेस्ट प्लेयर पूछा जाएगा बेन स्टोक्स, वनडे प्लेयर पूछा जाएगा रोहित शर्मा, टेस्ट प्लेयर पूछा जाएगा तो पैट कमिंस, कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगर आपको T20 प्लेयर पूछा जाएगा परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, तो वो दीपक चहर, कहाँ के हैं भाई, हमारे इंडिया के हैं। ठीक है, और अगर आपको पूछा जाएगा कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो चुना गया वो किसे चुना गया है, तो वो चुना गया है आपका जो है कि मार्नस लबुशेन को। ये कहाँ के प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि जो है कि एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो वो काइले कोटजर को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी FIH द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया, तो वो चुना गया मनप्रीत सिंह को। ध्यान रखिएगा, मनप्रीत सिंह को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। वहीं एथलीट ऑफ द ईयर पूछा जाएगा, तो वो रानी रामपाल को चुना गया है, जो कि हमारी फीमेल हॉकी टीम है, उसकी जो है कैप्टन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया, तो ध्यान रखिएगा, सीके नायडू कब जो इस बार सीके नायडू जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कृष्ण चरण श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को। ये दोनों ही आपको पता है कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं हमारे, इन लोगों को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सीके नायडू अवार्ड किस एरिया में दिया जाता है, तो वो क्रिकेट के एरिया में दिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस खिलाड़ी को लॉरियस स्पोर्ट्स मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो सचिन तेंदुलकर को, जो वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था, मतलब हमारी टीम ने, तो जब इनको कंधे पर उठाया गया था उसी मोमेंट के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स मोमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखिएगा, लॉरियस दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड शो होता है, सबसे बड़ा अगर आपको ऑनर पूछा जाएगा स्पोर्ट्स का, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो लॉरियस ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है रॉनी ओ सुलियान ने। अब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉनी ओ सुलियान किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है स्नूकर से। और दोस्तों आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो अकेडमी पे मेरी क्लासेस के लिए आप vimreesh@14 कोड यूज कर सकते हैं, फ्री क्लासेस के लिए भी और पेड क्लासेस के लिए भी, दोनों क्लासेस के लिए आप इस कोड का यूज कर सकते हैं। फ्री क्लासेस में अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं खुल रही है, फ्री क्लासेस नहीं खुल रही है एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद, तो आप vimreesh@14 कोड का यूज कर सकते हैं। पर डे रात को 10 बजे वहां पर मेरी फ्री क्लास होती है, ठीक है। उसके अलावा आप अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज के लिए भी जो है कि इसको फॉलो कर सकते हैं, पेड क्लासेस को ले सकते हैं। और कोड यूज करने के बाद जैसे ही आप पेड क्लासेस लेते हैं, तो वो पूरी कैटेगरी ही फ्री हो जाती है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, फुल सिलेबस कवरेज हो जाता है, वीडियोज को आप डाउनलोड कर सकते हैं 2019 से लेकर के तब तक की वीडियोज को, जब तक
आपका सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं विमलेश यादव सर्च करके अनअकैडमी पे, ओके। उसके अलावा जो है आप इंडिविजुअल एजुकेटर्स मिल जाते हैं, आपको टे सीरीज मिल जाती है, आपको कोड यूज क्या करना होता है, विमलेश@40। चलिए, और मैंने बोला ये स्पोर्ट्स का सेशन मैं 3 सेशन में खत्म कराऊंगा, और ये इसका दूसरा सेशन है, पहला सेशन मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, हु वॉन द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल इन 2020? 2020 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता, श्रीलंका ने जीता, दक्षिण अफ्रीका ने जीता, या फिर बांग्लादेश ने जीता? तो देखिए पूछा क्या गया है, 2020 अंडर 19 क्रिकेट विश्व का खिताब। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आई थिंक गलत है, इसको आपको लिखना होगा 2020 विश्व कप का खिताब, तो वो बांग्लादेश ने जीता है, ठीक है। किसने जीता है, तो वो बांग्लादेश ने जीता है, इंडिया को हरा कर गया। लग रहा है हम लोग आगे बढ़ गए। चले, किसने जीता है, बांग्लादेश ने जीता है, वह इंडिया को हरा कर, वो 2020 ने 50-50 था अंडर 19, ठीक है। उसके अलावा हो कहाँ पे रहा था, तो दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका तो मान लीजिए आंसर ही दिया हुआ है कि 2020 में संपन्न 34 में जो है डांस ओपन चेस टूर्नामेंट का खिताब जो है वो किसने जीता था, तो वो जीता है आपका डी कुकेश ने। ये भी काफी फेमस प्लेयर है, पूछा जाता है कि डी कुकेश किससे संबंधित है, तो वो संबंधित हो जाएंगे चेस से। उसके अलावा पूछा जाएगा कि विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2019 रग्बी वर्ल्ड कप, 2019 का रग्बी वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, जापान, या फिर फ्रांस? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जो है साउथ अफ्रीका, ध्यान रखिएगा। और इस बार लॉरियस ने से टीम ऑफ द ईयर भी चुना है, ठीक है। तो दूसरा सेशन दोस्तों मैं यही समाप्त करता हूँ, तीसरे सेशन के लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, पहली वीडियो को आप इससे पहले वाले सेशन में देख सकते हैं, ये दूसरा, और इसके बाद लास्ट सेशन में मैं ये सारा अवार्ड जो है स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो आपके 2020 के सब खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में जो कि इसके बाद होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।